चैनल स्टेटिस्टिक्स फॉर ऑल। फ्रेंड्स, अभी तक हमने सेम टू में जो पहले दो यूनिट है उनके एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं, इंटीग्रेशन चैप्टर और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल जो थे, बायनोमियल, पॉइसन और हाइपरजोमेट्रिक के एमसीक्यूज हमने देख लिए हैं। अब इस पार्ट के वीडियो में, ये सेकेंड पार्ट का वीडियो है, इसमें हम आगे के जो दो यूनिट है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल जिसमें हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल देखेंगे, और फिर स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, उसके एमसीक्यूज देखेंगे। सो फर्स्ट पार्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में डाल रही हूँ, तो आप वहाँ जाके फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख सकते हैं। अब हम सेकेंड पार्ट का वीडियो यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो ये हमारा पहला कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल होगा जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज, ओके। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/5 अंडर रूट 2π ई रेस टू -1/50 एक्स -75 का स्क्वायर। ये आपको क्या दिया हुआ है, इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि इसकी एफ ऑफ एक्स की, इसकी प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला दी हुई है। सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स, तो इसके पैरामीटर्स हमें निकालना है। पैरामीटर्स क्या होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, म्यू होता है यानी कि मीन, और सिग्मा, सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर, आपको यहाँ पे सिग्मा बताया गया होगा तो आप सिग्मा की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। सो आपको ये खाली एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन पे आपसे इस इक्वेशन पर से आपको इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, ये इसका ओरिजिनल इक्वेशन अगर आपको याद होगा तभी आप कर पाओगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला होती है उसे आप पी ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स लिखते हो, ओके। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की जगह पे हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, ओके। तो इसकी ओरिजिनल फॉर्मूला होती है 1/√2π इंटू सिग्मा ई रेस टू -1/2 अपॉन एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। ये इसकी करेक्ट फॉर्मूला होती है, ओरिजिनल फॉर्मूला। इससे अगर आप इस फॉर्मूला को कंपेयर करोगे तो आपको म्यू और सिग्मा दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले तो हम म्यू देख लेते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि x माइनस म्यू का स्क्वायर हो रहा है अपॉन सिग्मा का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे भी x माइनस 75 का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि x के साथ जो भी वैल्यू माइनस में जा रही है वो आपका मीन होना चाहिए। तो मीन तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो कि 75 हो जाएगा, लेकिन सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर से आप देख सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पर से भी आप देख सकते हो, यहाँ पर से अदरवाइज़ आप यहाँ पर से भी देख सकते हो, दोनों करेक्ट है। यहाँ पे हमें इधर दिया हुआ है तो हम ये वाला कर लेते हैं, मैं आपको ये वाले एरिया में से भी निकालना सिखा दूँगी। अंडर रूट 2π के साथ में सिग्मा मल्टीप्लाई है, यहाँ पे अंडर रूट 2π के साथ में 5 मल्टीप्लाई में है, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि सिग्मा की वैल्यू 5 होगी। लेकिन कभी कभी आपको ये वाली वैल्यू यहाँ नहीं दी होती है, तब आप उस केस में क्या करोगे, ये वाला जो एरिया है ना ई रेस टू उसकी ई की पावर में जो भी है, इसमें से आपको सिग्मा निकालना पड़ेगा। देखो ई रेस टू -1/2 होना चाहिए यहाँ पे हमारे ओरिजिनल इक्वेशन के हिसाब से, तो अगर आप ई रेस टू -1/2 करोगे, यहाँ पे हमारे पास 1/50 है, तो 1/25 आप इस तरह से लिख सकते हो, 2×25 50 हो जाएगा, ओके। और फिर x -75 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये सिग्मा का स्क्वायर था, सिग्मा के स्क्वायर को आप बाहर निकालोगे, यहाँ पे भी सिग्मा का जो भी स्क्वायर था वो बाहर आ चुका है, तो बाहर आके वो सिग्मा का स्क्वायर अगर 25 हुआ है तो सिग्मा की वैल्यू 5 आएगी, तो यहाँ पे ये करेक्ट आ गया, तो यानी कि मीन आपका 75 और सिग्मा आपका 5 होगा। ये आपको लाइन वाइज लिखना है, पहले मीन और फिर सिग्मा, उल्टा नहीं लिख सकते, जैसे बी ऑप्शन उल्टा दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 120, मीन यानी कि उसका म्यू, और स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि सिग्मा की वैल्यू 15 दी गई है, देयरफॉर इट्स मीन डिविएशन एंड क्वार्टाइल डिविएशन आर अप्रॉक्सीमेटली डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। मीन डिविएशन और क्वार्टाइल डिविएशन की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की भी प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी पड़ेगी, इसकी प्रॉपर्टीज में से भी काफ़ी सारे एमसीक्यू निकलेंगे फ्रेंड्स। तो इसकी प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी दी हुई है कि मीन डिविएशन की फॉर्मूला होती है 4/5 सिग्मा, आप इस तरह से निकाल सकते हो, और क्वार्टाइल डिविएशन की फॉर्मूला दी हुई है 2/3 सिग्मा, ठीक है। तो अगर आपको सिग्मा पता है तो मीन डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन दोनों निकाल सकते हो, एंड सिग्मा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 15, तो हम निकाल सकते हैं।
फोर बाई फाइव इंटू फिफ्टीन कर दो और यहाँ पे टू बाई थ्री इंटू फिफ्टीन कर दो, तो इसका आंसर लिखो फाइव वन ज़ा फाइव थ्री ज़ा फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, यहाँ पे थ्री वन ज़ा थ्री फाइव ज़ा टू फाइव ज़ा टेन। तो मेन डिविएशन और क्वार्टर डिविएशन लाइन में बताना है आपको, रिस्पेक्टिवली बोला हुआ है यहाँ पे, तो पहले ट्वेल्व और फिर टेन, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो मेन दिया हुआ ना ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसकी कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल एरिया बिटवीन अ नॉर्मल कर्व एंड एक्स एक्सिस इज व्हाट। नॉर्मल कर्व ऐसा होता है, सॉरी इस तरह का होगा, तो ये जो पूरा एरिया होता है ना इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी टोटल एरिया क्या होता है, तो इसका आंसर आएगा वन। ये टोटल जो एरिया दिया हुआ है ना कर्व के अंदर और एक्स एक्सिस के बीच में, ये प्रोबेबिलिटी होता है और प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होती है, तो इसका आंसर वन आ जाएगा। ओके इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर एमसीक्यू में पूछ ले आपको तो पता होना चाहिए, अगर इस कर्व को हम बिल्कुल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें, टू इक्वल पार्ट्स में, तो ये जहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ना वहाँ पे मीन की वैल्यू आती है, मीन मीडियन या फिर मोड। यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों की वैल्यू सेम होती है, ये भी एक एमसीक्यू पूछ सकता है आपको कि मीन मीडियन मोड तीनों की वैल्यू सेम होती है, तीनों का रिलेशन पूछ सकता है। और नॉर्मल कर्व मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल कर्व सिमेट्रिक होता है, इसकी जीरोस की वजह से होती है, तो नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट व्हाट, तो इसका आंसर आएगा अबाउट मीन, मीन या मीडियन या मोड कुछ भी, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि अबाउट क्या आएगा, तो अबाउट मीन मीडियन मोड तीनों में से कुछ भी आ सकता है। और इस कर्व की रेंज आपको पता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी राइट साइड पे प्लस इन्फिनिटी। अगर इस दो पार्ट में इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर दिया जाए तो मीन से लेके माइनस इन्फिनिटी तक का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, पॉइंट फाइव। टोटल एरिया वन था तो इस साइड पे पॉइंट फाइव हो जाएगा, उसी तरह से सिमिलरली ये वाला एरिया भी पूरा पॉइंट फाइव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो भी आपको आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 110 रिस्पेक्टिवली। मीन दे दिया म्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि सिग्मा दे दिया। हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन आर इंक्लूडेड इन परसेंटेज बिटवीन द वैल्यूज ऑफ अ नॉर्मल वेरिएट 70 एंड 130। ये एक्स की दो वैल्यूज दी हुई है तो इनके बीच में आपको बताना है कि कितने परसेंटेज वेरिएबल्स इंक्लूडेड है, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करके बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कर्व बना के दिखाती हूँ तो आपको इससे ज़्यादा समझ आएगा। ये एग्जैक्ट टू पार्ट में मीन पे डिवाइड करते हैं और मीन की वैल्यू यहाँ 100 दी हुई है, तो एक वैल्यू दी हुई आपको एक्स वन की 70 और एक 130, तो 70 इस साइड पे आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे और 130 यहाँ पे आएगा राइट हैंड साइड पे। तो आपको ये जो पूरा बीच का पार्ट है इसकी आपको कितने इसमें परसेंटेज यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करके बतानी है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हमें इससे ये जो 70 और 130 है इसे हमें z की वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो z1 हम फाइंड करेंगे x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये z की फॉर्मूला होती है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सिमिलरली z2 हो जाएगा x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो x1 क्या है, 70 माइनस मीन आपको 100 दिया हुआ है अपॉन सिग्मा 10 दिया हुआ है, तो इसका आंसर आएगा 70 माइनस 100 माइनस 30 अपॉन 10 इज इक्वल टू माइनस 3। और सिमिलरली यहाँ पे 130 माइनस 100 अपॉन 10, सो 30 अपॉन 10 आंसर आएगा 3। तो यानी कि इसका स्टैंडर्ड नॉर्मल की वैल्यू है यहाँ पे माइनस 3 और इसकी वैल्यू है प्लस 3। तो आप चाहे तो माइनस 3 से प्लस 3 आप इसकी जो टेबल होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, मैं आपको आगे टेबल बताऊँगी, उसमें से आप 3 की वैल्यू देख सकते हैं और फिर आप फाइंड कर सकते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी और फिर उसको आप इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा वो। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये माइनस 3 से प्लस 3 की रेंज है,
तो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसमें ये आपको लिखा हुआ है कि -3 टू +3 की जो प्रोबेबिलिटी होगी ना वो ऑलवेज 0.9973 यही होगी। ओके, तो इसे अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो इनटू इसको 100 करो तो 99.73% हो जाएगा इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर आएगा सी। तो अगर -3 से +3 की रेंज दी हुई है तो इसका आंसर ये फिक्स है। सिमिलरली अगर आपको -3 से +3 की जगह पे अगर सिर्फ -1 टू +1 इस तरह का आपका आंसर आए तो उसकी रेंज होती है 0.6826। इसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना 68.26%। इसी तरह से अगर -2 से +2 होती है तो उसका आंसर होता है 0.9545। ये आपको कुछ वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेगी। -3 से +3 की तो मैंने लिखवा दी, -1.96 टू +1.96 उसका आंसर होता है 0.95, और -2.58 टू 2.58 इसका आंसर होता है 0.99। ये और ये पांचवी वैल्यू, ये चार, ये और ये पांचवी वैल्यूज़, ये आपको सारी वैल्यूज़ अगर याद रही ना तो इनमें से कुछ भी एमसीक्यू अगर पूछे तो आपको आंसर आ जाएगा इनका। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ में आपकी बुक में दिया हुआ है तो आप वहाँ पर से रीड करके जाना। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 900, म्यू दिया हुआ है 900 एंड 16% ऑफ द टोटल वैल्यूज आर ग्रेटर देन 1000, देन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। 16% टोटल वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन 1000 है तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है, यानी कि सिग्मा। ओके, मैं वापस ग्राफ बनाती हूँ। आप ग्राफ बना के अगर करोगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। यहाँ पे मीन होता है, मीन आपका 900 दिया हुआ है, हमें बोला है कि 16% वैल्यू जो है वो 1000 से बड़ी है, 1000 इस साइड पे आएगा 900 के राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे 1000 अगर आ रहा है तो ये 1000 से बड़ी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वो सभी 16% है, तो ये एरिया 16% है। तो 16% यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसको डिवाइड बाई 100 कर दो, ये परसेंटेज में दिया हुआ है तो 0.016 इस तरह से हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब जेड की वैल्यू आप निकाल सकते हो एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, आपको पता है जेड हमें पता नहीं है, एक्स हमारा 1000 दिया हुआ है और मीन आपको दिया हुआ है 900, सिग्मा आपको नहीं पता है, सिग्मा ही हमें फाइंड करना है। तो जेड क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 अपॉन सिग्मा। ओके, इतना हमें अभी तक मिल रहा है वैल्यू। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे ये 1000 से ग्रेटर देन बोला है कि 1000 से ग्रेटर देन 16% है, यानी कि अगर मीन से लेके 1000 तक का इसकी प्रोबेबिलिटी, ये जो बीच का एरिया है यहाँ पे, सिर्फ अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हमें टेबल में से देखनी पड़ेगी। तो अगर हमें पता है कि मीन से लेके पूरा प्लस इन्फिनिटी तक टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0.5 होती है, ये जो हाफ प्रोबेबिलिटी होगी इस तरफ की ये पूरी 0.5 होती है हमें पता है, उसमें से अगर ये वाला पार्ट 16% है यानी कि 0.016 है तो बाकी का ये बीच का कितना हो जाएगा 0.34 हो जाएगा। ओके, तो अब ये जो 0.34 प्रोबेबिलिटी है ये बीच वाली, इसे आपको टेबल में से देख के इसकी जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, उल्टा प्रोसेस करना है। तो जेड की टेबल मैं आपको यहाँ शो कर रही हूँ, आपके पास प्रोबेबिलिटी है 0.34, तो अभी 0.34 जो है ना वो ये जो पूरी बीच की वैल्यूज दी हुई है ये सारी प्रोबेबिलिटीज है, तो इसमें से आपको 0.34 फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो 0.34 यहाँ पे कुछ आ रहा है, यहाँ पे 0.3389 है और यहाँ पे 0.3413 है, एग्जैक्ट 0.34 तो नहीं मिलेगा, तो हम ये वाला कंसिडर कर लेते हैं कि ये 0.134 इसे हम मान लेंगे। तो अब ये किसके लिए है, इसके सामने 1.0 और यहाँ पे 0.00 है, यानी कि ये एग्जैक्ट 1. फिर ये 1 0 यहाँ दिया हुआ था और 2 0 यहाँ दिए हुए हैं तो एग्जैक्ट ये 1 के लिए होगी। ओके, तो ये आपको जेड की वैल्यू मिली है यहाँ पर से, इस तरह से आपको उल्टा प्रोसेस फाइंड करना था। हमेशा हम जेड के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, इस बार हम प्रोबेबिलिटी के लिए जेड की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो ये जेड की वैल्यू मिली 1,
सो देयर फॉर वन, और ये प्लस वन होगा, क्यों? क्योंकि ये मीन से राइट हैंड साइड पे है और राइट हैंड साइड की वैल्यूज प्लस वन होती है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम फाइंड कर रहे होते तो माइनस वन कंसिडर करते जेड की वैल्यू, ठीक है? तो प्लस वन होगी यहाँ पे 100 अपॉन सिग्मा, सो देयर फॉर सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, तो सिग्मा ही हमें फाइंड करना था और सिग्मा की वैल्यू आ गई 100, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये एमसीक्यू थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा लंबा भी था, लेकिन अगर ऐसा अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो मैंने आपको ये ऐसा इसलिए सॉल्व करवाया है, ठीक है? आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व का शेप मैं आपको बार बार ड्रॉ करके बता रही हूँ, ये जो शेप होता है नॉर्मल कर्व का, ये बेल शेप्ड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेल शेप। सिमेट्रिक इसे बोलते हैं, जीरो स्क्यूनेस, तो ये बेल शेप्ड होता है। ओके, नेक्स्ट, फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट यानी कि जो जेड हम फाइंड करते हैं ना, कैसे फाइंड करते हैं, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये जो जेड की वैल्यू है इसे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बोलते हैं। इसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू क्या होगी? अगर जेड का भी इस तरह से ही नॉर्मल कर्व बनता है तो इसके अंदर मीन, यहाँ पे ये मीन पे इंटरसेक्ट करेगा बीच में, इसका मीन हमेशा जीरो होता है और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा वन होता है। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, मीन की वैल्यू जीरो होगी फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा वन होगा। दोनों में से कुछ भी पूछे आपको आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, द एरिया अंडर नॉर्मल कर्व बिटवीन म्यू प्लस माइनस टू सिग्मा। मैंने आपको बताया था नॉर्मल कर्व का एरिया, टोटल एरिया पूछे तो उसका आंसर वन आता है, लेकिन अगर यहाँ पे देखो प्लस टू सिग्मा दिया हुआ है तो यानी कि आपको सीधा सीधा यही देखना है कि माइनस टू से प्लस टू, तो इसकी रेंज मैंने आपको वो लिख के बताई थी पहले, इसकी रेंज आएगी 0.9545। ओके, अब परसेंटेज में पूछे तो 95.45 आ जाएगा, तो ये आपको रेंज याद करनी पड़ेगी, जो भी मैंने आपको पांच रेंज बताई थी वो सब। ओके, नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द वैल्यू। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व कौन सी वैल्यू के अराउंड सिमेट्रिक होता है? तो नॉर्मल कर्व या स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जो होता है वो मीन के अराउंड सिमेट्रिक होता है, यहाँ पे उसका मीन आता है, इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट इट्स मीन, लेकिन इसकी मीन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर जीरो आएगा, दैट इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट द वैल्यू जीरो। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ नॉर्मल कर्व होता तो इसका आंसर मीन आता, क्योंकि मीन की वैल्यू फिर नॉर्मल कर्व में सेम नहीं रहती, हर एक के लिए अलग अलग होती है, लेकिन स्टैंडर्ड नॉर्मल में जीरो ही रहेगी ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट, द शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व डिपेंड ऑन इट्स। नॉर्मल कर्व का जो शेप होता है वो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू पे डिपेंड करता है, स्टैंडर्ड डिविएशन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट ई, ई जो हम बार बार लिख रहे हैं, जैसे हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में भी लिखा, यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने देखा था, उसके जो एफ ऑफ एक्स की फॉर्मूला थी उसमें ई था, ई की वैल्यू क्या होती है? ये ई जो है ना, ये कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.7183, ठीक है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट, अब फ्रेंड्स हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सारे एमसीक्यू यहाँ खत्म हो गए, यानी कि पहले तीन यूनिट के अभी तक हमने सारे एमसीक्यू खत्म कर दिए, अब जो लास्ट यूनिट है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, उसके एमसीक्यू यहाँ से मैं चालू कर रही हूँ। अब फ्रेंड्स स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल आपको फर्स्ट सेम में भी था, ठीक है, और यहाँ भी है, लेकिन वहाँ पे फर्स्ट सेम में आपको वेरिएबल के चार्ट्स आप सीखे थे, यानी कि जो आपने एक्स बार चार्ट और आर चार्ट सीखा था, दो चार्ट आपने सीखे थे वहाँ पे, वो दोनों वेरिएबल्स के चार्ट थे। यहाँ पे जो आप चार्ट सीखोगे वो एट्रीब्यूट के चार्ट होंगे। ओके, कि आपको याद रखना है दोनों में, वो वेरिएबल के थे पहले सेम में, अभी एट्रीब्यूट के चार्ट है, और अब यहाँ पे आपको एन पी चार्ट, पी चार्ट और सी चार्ट, ये तीन तरह के आप चार्ट सीखोगे, ये तीनों ही एट्रीब्यूट के चार्ट्स हैं, ठीक है? तो इसकी जो बेसिक थियरी है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की, वो तो सेम ही है दोनों के लिए, चाहे वेरिएबल चार्ट हो चाहे एट्रीब्यूट चार्ट हो। तो पहले जो कुछ एमसीक्यू है वो जो मैंने आपको फर्स्ट सेम में एमसीक्यू का भी वीडियो बनाया था, तब वहाँ पे भी जो बेसिक क्वेश्चन थे पहले, वो मैंने यहाँ पे भी इंक्लूड किए हैं। तो पहले हम वही एमसीक्यू देखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे एनपीपी और सी चार्ट के सम्स की तरफ जाएंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले टेक्निक्स ऑफ एसक्यूसी किसने इंट्रोड्यूस की थी,
तो इसका आंसर क्या होगा, पीसी मालो नोबिस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उन्होंने ये टेक्निक्स की थी इंट्रोड्यूस। ओके नाउ नेक्स्ट, क्वालिटी मस्ट बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ। क्वालिटी हम कैसे चेक करेंगे, यानी कि क्वालिटी अच्छी है या बुरी, तो वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के टर्म्स में इसको डिफाइन किया जाता है, यानी कि कस्टमर अगर प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो रहा है तो क्वालिटी अच्छी है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो क्वालिटी अच्छी नहीं है। ओके एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि जो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है SQC, वो आपका प्रोसेस कंट्रोल के पार्ट है, प्रोसेस कंट्रोल का पार्ट है। आप सेकेंड ईयर में जाओगे तब आपको वहाँ पे एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग करके एक टॉपिक आएगा, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, ये आपका प्रोडक्ट कंट्रोल होगा। अगर आपको ऐसा MCQ पूछा जाए तो आप बताना कि SQC प्रोसेस कंट्रोल का पार्ट है, और ये आपको नहीं पूछा जाएगा, बस जस्ट मैंने आपको इसको बताने के लिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये प्रोडक्ट कंट्रोल होता है। ओके प्रोसेस कंट्रोल यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो हम क्वालिटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोसेस होने के टाइम पे उसे प्रोसेस कंट्रोल बोलते हैं, और अगर प्रोडक्ट बनने के बाद में अगर उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट कंट्रोल होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशन इन क्वालिटी कैन बी, क्वालिटी में जो वेरिएशन आते हैं इट कैन बी ड्यू टू चांस कॉज ऑल्सो एंड इट कैन बी ड्यू टू असाइनेबल कॉज ऑल्सो, तो इसका आंसर आएगा बोथ ए बी। ओके चांस कॉज और असाइनेबल कॉज क्या होता है, चांस कॉज यानी कि जो कि हमारे प्रोसेस में होने ही वाले हैं। अगर मैं स्क्रू बना रही हूँ, स्क्रू की मैंने साइज़ फिक्स करके रखी है कि मेरी स्क्रू की साइज़ 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो हर एक स्क्रू की साइज़ 1 सेंटीमीटर होगी ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, किसी की 1 से एकदम थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है ना, तो वो जो वेरिएशन आते हैं वो चांस कॉज की वजह से आते हैं जो कि हमारे प्रोसेस में होने ही वाले हैं कितनी भी हम कोशिश कर लें। लेकिन असाइनेबल कॉज यानी कि जो जिससे कि हमारे जो स्क्रू की साइज़ है या हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा वेराई कर रही है, तो वो असाइनेबल कॉज होते हैं। असाइनेबल कॉज के भी आगे एग्जाम्पल देखेंगे हम, ये हमारे प्रोसेस में नहीं होने चाहिए, इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसे हमें हटाने की कोशिश करनी है, और चांस कॉज तो हमारे प्रोसेस में अगर रहेंगे तो भी चलेगा इस तरह से। नाउ नेक्स्ट, द वेरिएशन इन क्वालिटी ड्यू टू डैश कॉज कैन आर सीरियस इन नेचर, कौन से कॉजेज ज़्यादा सीरियस होते हैं, ज़्यादा खतरनाक होते हैं एंड शुड नॉट बी ओवरलुक, यानी कि उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको भी बताया कि असाइनेबल कॉजेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, इनकी वजह से हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसके एग्जाम्पल अभी नेक्स्ट MCQ में हम पढ़ेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर असाइनेबल कॉजेस, तो डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल ही खराब है तो हमारा प्रोडक्ट खराब बनेगा। डिफरेंस इन मशीन्स एंड ऑपरेटर्स, अगर हमारे मशीन अलग अलग टाइप के, मतलब एक मशीन बहुत अच्छे से काम कर रही है क्योंकि वो नई है, एक मशीन अगर पुरानी हो गई तो वो थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, तो उसकी वजह से प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट की क्वालिटी में फ़र्क पड़ेगा, तो मशीन्स की वजह से या ऑपरेटर की वजह से, अगर ऑपरेटर ट्रेंड नहीं होगा या ट्रेंड होगा तो वो लोग अलग अलग, उनकी क्वालिटी अलग अलग हो जाएगी प्रोडक्ट की, तो उसकी वजह से। एंड डिफरेंस ऑफ टाइम ऑल्सो, मॉर्निंग शिफ्ट के जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा बेटर काम कर सकते हैं कम्पेयर टू नाइट शिफ्ट के वर्कर्स, तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो असाइनेबल कॉजेज़ के एग्जाम्पल होंगे। ये MCQ मैंने सिर्फ इसीलिए डाला है, अगर आपको इनमें से एक भी एग्ज़ाम में पूछा जाए, ऑप्शन में एक भी आए, तो आप एक को टिक कर पाओ, ये चारों ही आपको असाइनेबल कॉजेज़ के एग्ज़ाम्पल याद रखने हैं। ओके इन सबको हम ठीक कर सकते हैं, रॉ मटेरियल की क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, मशीन ऑपरेटर्स में हम बेटर कर सकते हैं, टाइम का भी हम उपाय ढूंढ सकते हैं, तो ये असाइनेबल कॉज है, इनको हमें ओवरलुक नहीं करना है। नेक्स्ट, द हाइएस्ट वैल्यू दैट अ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक कैन टेक बिफोर द प्रोसेस बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल इज कॉल्ड, हाइएस्ट वैल्यू, हमारा प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल बनने से पहले जो हाइएस्ट वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे SQC में हम चार्ट ड्रॉ करते हैं, बीच में हमारी सेंट्रल लाइन होती है, इसके ऊपर हमारा UCL होता है यानी कि अपर कंट्रोल लिमिट, और नीचे हमारा LCL होता है लोअर कंट्रोल लिमिट। तो हाईएस्ट वैल्यू यानी कि अपर कंट्रोल लिमिट इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगर अपर कंट्रोल लिमिट के भी बाहर हमारे वेरिएबल्स जाते हैं तो हमारा प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल बन जाता है। अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के अगर बीच में ही सारे आ रहे हैं तो ये प्रोसेस जो है वो अंडर कंट्रोल कहलाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ कंट्रोल चार्ट डिस्प्लेस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी होती है और उस पर क्या हम डिस्प्ले करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी होती है इन दोनों में से,
ये वाई होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस, ओके, इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या डिस्प्ले करते हैं, यहाँ पे हम आइदर सैंपल नंबर और टाइम इनमें से कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा सी, आइदर सैंपल नंबर और टाइम। ये वही एमसीक्यू जो मैंने आपको फर्स्ट सेम में भी करवाए थे, कुछ स्टार्टिंग के मैंने आपको बताया कि बेसिक थियरी दोनों की सेम है, तो हम थोड़े रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद हम चार्ट्स के हिसाब से अलग अलग एमसीक्यू देखेंगे। नेक्स्ट, इफ फॉर अ प्रोसेस 18 आउट ऑफ 20 पॉइंट्स आर प्लॉटेड अबव द सीएल बट बिलो द अपर कंट्रोल लिमिट एंड ओनली 2 आउट ऑफ 20 पॉइंट्स आर प्लॉटेड बिलो द सेंट्रल लाइन एंड बिटवीन द सेंट्रल लाइन एंड लोअर कंट्रोल लिमिट, व्हाट वी सी अबाउट द प्रोसेस। देखो ये हमारी सेंट्रल लाइन है, ये हमारा यू सी एल और ये एल सी एल। हमें बोला है कि 18 आउट ऑफ 20 पॉइंट्स, 20 में से 18 पॉइंट्स सी एल और यू सी एल के बीच में है, सी एल के अबव और यू सी एल के बिलो, यानी कि इन दोनों के बीच में 18 पॉइंट्स है, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट्स हमारे 20 में से 18, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट्स हमारे इन दो के बीच में ही है, और सिर्फ 2 पॉइंट्स जो है वो सेंट्रल लाइन और एल सी एल के बीच में, सिर्फ 2 पॉइंट यहाँ पे है। तो इस प्रोसेस के बारे में हम क्या बोलेंगे, क्या ये इन कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल है, या डेटा इज नॉट इनफ, या फिर कुछ और है। ओके, तो ये प्रोसेस मैंने, आपने अभी तक यही पढ़ा है कि यू सी एल और एल सी एल के बीच में अगर हमारे सारे पॉइंट्स होते हैं तो वो हमारा डेटा जो है वो अंडर कंट्रोल होता है। अगर इन दोनों के बाहर जाते हैं, यानी कि यू सी एल के बाहर या फिर एल सी एल के नीचे गए, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल माना जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके अंदर एक और चीज़ आ गई है कि अगर हमारे मैक्सिमम पॉइंट्स किसी एक एरिया में है, या तो सेंट्रल लाइन से यू सी एल के बीच में है, या फिर सेंट्रल लाइन से एल सी एल के बीच में अगर हमारे मैक्सिमम पॉइंट्स जा रहे हैं ना, तो वो प्रोसेस भी आउट ऑफ कंट्रोल माना जाता है, क्योंकि अब इसमें रन हो रहा है, इसे रन बोलते हैं। अगर हमारे मैक्सिमम पॉइंट्स किसी एक साइड पे है, सेंट्रल लाइन के किसी एक साइड पे है, तो इसे हम रन बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अबव रन जा रहा है, सीएल के ऊपर जा रहा है, इसलिए अबव रन। सीएल के नीचे अगर मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं तो इसे बिलो रन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे रन है, इसकी वजह से ये डेटा जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज एट्रीब्यूट चार्ट। अब बेसिक थ्योरी के हमने एमसीक्यू देख लिए, अब हम हमारे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, नए एमसीक्यू, उसकी तरफ जाएंगे। एट्रीब्यूट चार्ट इनमें से कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया था आप 3 तरह के चार्ट सीखने वाले हो इसमें, एनपी, एनपी चार्ट एंड सी चार्ट। ये दोनों ही यहाँ पे एट्रीब्यूट के हैं चार्ट्स हैं। ये एग्जाम्पल के नाम बताने के लिए मैंने दोनों ऑप्शन में रखे हैं, एक्स बार चार्ट और आर चार्ट, ये आपके वेरिएबल चार्ट के एग्जाम्पल है। ओके, ऐसा एमसीक्यू पूछे तो अभी आपको पता होगा। अब नाउ नेक्स्ट, पी चार्ट इज अ चार्ट ऑफ डैश एंड एनपी चार्ट इज अ चार्ट ऑफ डैश। पी चार्ट को हम क्या बोलते हैं और एनपी चार्ट को क्या बोलते हैं, तो पी चार्ट देखो नाम पर से ही पता चल जाएगा, पी चार्ट जो है वो फ्रैक्शन डिफेक्टिव का चार्ट होगा और एनपी चार्ट जो होगा वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव का चार्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पी जो है वो फ्रैक्शन डिफेक्टिव, यानी कि प्रोपोर्शन डिफेक्टिव भी आप इसे कह सकते हो। एन पी जो है, क्योंकि वो एन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो सी चार्ट होता है ना, वो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स होता है, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट। तीनों के बीच में मैं आपको बेसिक फर्क बता दूं आपको, ताकि पता चल जाए। पी और एन पी चार्ट जो होते हैं ना, इसमें हम पूरा का पूरा जो यूनिट डिफेक्टिव होगा उसे हम काउंट करते हैं, या फिर उसके इसमें प्रपोर्शन काउंट करते हैं, और इसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट, पूरा का पूरा यूनिट काउंट करते हैं। अगर उसमें यूनिट में एक भी डिफेक्ट है तो भी वो डिफेक्टिव माना जाएगा, 4 डिफेक्ट्स है उसमें तो भी डिफेक्टिव माना जाएगा, 10 डिफेक्ट्स है तो भी वो डिफेक्टिव माना जाएगा। लेकिन सी चार्ट के अंदर हम एक एक यूनिट में कितने कितने डिफेक्ट्स हैं वो काउंट करते हैं, एक पर्टिकुलर यूनिट में। हो सकता है एक पर्टिकुलर यूनिट में सिर्फ 2 ही डिफेक्ट्स हो, या 3 डिफेक्ट हो, या 10 डिफेक्ट हो, तो जितने एक यूनिट के अंदर डिफेक्ट होंगे वो हम काउंट करेंगे, जबकि यहाँ पे पूरा का पूरा यूनिट, कितने टोटल यूनिट डिफेक्टिव है वो हम काउंट करते हैं। दोनों के बीच में आपको समझ आ रहा होगा फ़र्क क्या होता है, तो अगर डिफरेंस भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इफ़ सी बार इज इक्वल टू 2.25 द लोअर कंट्रोल लिमिट ऑफ सी चार्ट इज वॉट। सी बार दे दिया है 2.25, तो सी चार्ट का एल सी एल यानी कि लोअर कंट्रोल लिमिट क्या होगा।
तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है एल सी एल की फॉर सी चार्ट, सी बार माइनस 3 इंटू अंडर रूट सी बार। ये सबसे ईजी चार्ट है फ्रेंड्स, इसकी फॉर्मूला भी बहुत ईजी है। सी बार आपको पता है 2.25 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2.25, 2.25 माइनस 3 इंटू इसका रूट निकालोगे तो आएगा 1.5। सो आंसर आ जाएगा 2.25 माइनस 4.5, माइनस 2.25 आएगा। अब एलसीएल की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं जा सकती, तो इसका अगर वो माइनस में जाती है तो इसे हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ज़ीरो होगा, ये नहीं होगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोअर कंट्रोल लिमिट ऑफ एनपी चार्ट। एनपी चार्ट की एलसीएल की फॉर्मूला पूछिए। एनपी चार्ट की एलसीएल की फॉर्मूला क्या होगी, एनपी बार माइनस 3 इंटू अंडर रूट एनपी बार इंटू 1 माइनस 3 बार। ये इसकी करेक्ट फॉर्मूला की बी ऑप्शन। आपको तीनों चार्ट की यूसीएल एलसीएल और उसके सीएल याद रखने पड़ेंगे। ओके, तभी आप आंसर, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे सॉल्व करने के लिए तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ प्रोडक्शन प्रोसेस 10 सैंपल्स ईच ऑफ साइज 100 आर टेकन एंड द एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव इज फाउंड टू बी 0.02। द सेंट्रल लाइन फॉर एनपी चार्ट विल बी डैश। ओके, एनपी चार्ट की सीएल पूछी है। तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, एनपी बार होती है। ओके, अब देखो क्वेश्चन में हमें बोला है कि 10 सैंपल है और 10 सैंपल्स में से हर एक सैंपल की साइज 100 है। एक सैंपल में 100 है, दूसरे सैंपल में भी 100 यूनिट्स, तीसरे सैंपल में भी 100 यूनिट्स, सभी सैंपल में 100 यूनिट्स है। और इसका एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव, एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव यानी कि फ्रैक्शन डिफेक्टिव यानी पी होता है, और एवरेज फ्रैक्शन मतलब पी बार हो जाएगा। पी बार की वैल्यू दी हुई है 0.02 क्वेश्चन में। तो और हर एक सैंपल की साइज दी हुई है, यानी कि ये एन आपका 100 होगा, 10 नहीं होगा। 10 जो होगा वो आपके एम की वैल्यू होगी। टोटल सैंपल्स कितने हैं वो एम होता है, और हर एक सैंपल की साइज जो होती है उससे हम एन बोलते हैं। ओके, सो बस एन और पी बार दोनों दिया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं आंसर। इसका आंसर 2 आ जाएगा, सी एल फाइंड करना था तो 2 इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, ऑन विच डिस्ट्रीब्यूशन पी चार्ट इज बेस्ड। ये पी चार्ट इन तीनों में से या नन ऑफ द अबव, इनमें से कौन से डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, मैं आपको आपको सभी चार्ट के डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ। पी और एन पी चार्ट दोनों जो है वो बायनोमियल पे बेस्ड है। फिर जो सी चार्ट है आपका तीसरा, वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं ना वहाँ पे, नंबर ऑफ डिफेक्ट पॉइसन होते हैं, मैंने आपको बताया था। और ये तीनों वेरिएबल जो चार्ट्स हैं, सॉरी एट्रीब्यूट के चार्ट्स हैं आपके, ये बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है। और जो आपने फर्स्ट सेम में पढ़े थे एक्स बार चार्ट और आर चार्ट, वो आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो अगर इसमें से आपको कुछ भी पूछा जाए तो आपको सबका आंसर पता होना चाहिए। मैंने सिर्फ एक का एमसीक्यू डाला है, बाकी आपको ओरली समझा दिए। ओके, नेक्स्ट, इफ एन इज इक्वल टू 200 एंड एवरेज प्रोपोर्शन डिफेक्टिव इज 0.05, वापस एवरेज प्रोपोर्शन डिफेक्टिव यानी कि पी बार की वैल्यू दी हुई है, देन ऑब्टेन द यूसीएल ऑफ फॉर पी चार्ट। पी चार्ट का यूसीएल, इसकी फॉर्मूला होगी पी बार प्लस 3 इंटू पी बार 1 माइनस पी बार अपॉन एन, और ये अंडर रूट में। तो ये यूसीएल है, इसमें एन दिया हुआ है, पी बार दिया हुआ है, तो हम यूसीएल फाइंड कर सकते हैं आराम से। 0.05 प्लस 3 इंटू 0.05 1 माइनस 0.05 अपॉन एन दिया हुआ है 200। तो इसे आप सॉल्व करोगे, ये जो अंडर रूट के अंदर है 0.05 इंटू, यहाँ पे 1 में से माइनस करोगे इसको तो 0.95 आ जाएगा। तो 0.05 इंटू 0.95 अपॉन 200, और फिर उसका रूट निकालोगे तो आंसर आएगा 0.01541, ऐसा कुछ आंसर आएगा। तो अब इसको इंटू 3 करो पहले, और फिर 0.5 में ऐड करना, तो 0.04623 आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे। तो अब दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 0.096 के अराउंड कुछ वैल्यू आएगी आपकी।
तो ये UCL आ गया 0.096 है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके अगर LCL पूछा जाता है इसकी जगह पे, तो यहाँ पे बीच में प्लस की जगह हम माइनस करते, और अगर सिर्फ CL पूछा जाता तो वो होता है पी बार। पी बार तो हमें पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली वही कर देते। ओके समझ आ रहा होगा आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सी चार्ट UCL इज इक्वल टू 18 एंड LCL इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेंट्रल लाइन। ओके सी चार्ट के UCL की फॉर्मूला क्या होती है, सी बार प्लस होता है बीच में अंडर 3 × √ सी बार, इसकी वैल्यू दी हुई है 18, और LCL क्या होता है, सी बार माइनस होता है बीच में, और कुछ भी नहीं, बाकी पूरी फॉर्मूला सेम, सभी में ऐसा ही होगा, UCL में बीच में प्लस होगा, LCL में बीच में माइनस होगा, इसकी वैल्यू 0। तो इसे हम वन इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, इसे सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। अब देखो ये दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे, प्लस यहाँ पे भी माइनस आप प्लस कर देंगे और यहाँ पे भी प्लस, तो सी बार प्लस सी बार हो जाएगा 2 सी बार, यहाँ पे 3 × √ सी बार, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 3 × √ सी बार, ये दोनों वैल्यूज़ कट हो जाएगी और 18 + 0 18 रहेगा, तो सी बार इज इक्वल टू 18/2 = 9 आ जाएगा। हमें पूछा ही वही था सेंट्रल लाइन क्या होता है, और सेंट्रल लाइन 9 आ गया, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 9। ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्रीब्यूट चार्ट्स आर डैश सेंसिटिव कंपेयर टू वेरिएबल चार्ट। एट्रीब्यूट चार्ट कितने सेंसिटिव होते हैं एज कम्पेयर टू वेरिएबल चार्ट, तो इसका आंसर आएगा लेस वेरिएबल। एट्रीब्यूट चार्ट होते हैं जो आपके NP, PNC, ये कम सेंसिटिव होते हैं एज कम्पेयर टू एक्स बार एंड आर चार्ट, ये इंपॉर्टेंट MCQ है। आपकी बुक में एट्रीब्यूट चार्ट और वेरिएबल चार्ट का डिफरेंस दिया होगा, डिफरेंस बिटवीन करके टेबल दी होगी, वो टेबल आपको पढ़ के जानी है। ओके उसमें से MCQ, उसी में से ही MCQ मैंने निकाला है, तो उसमें से आपको ये पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल चार्ट मोर सेंसिटिव होता है, एट्रीब्यूट चार्ट कम सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजेज ऑफ पी एंड NP चार्ट, इनके यूजेस बताना है। एक्चुअली यहाँ पे फ्रेंड्स सारे ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, मैंने सिर्फ इसके यूजेस बताने के लिए आपको ये MCQ डाला है कि एग्जाम में अगर कोई एक भी पूछा जाए तो आप बता सकें उसका आंसर। तो हम एक एक करके रीड कर लेते हैं। टू फाइंड द एवरेज प्रोपोर्शन डिफेक्टिव, एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव फाइंड करने के लिए ऑफ लॉट सबमिटेड फॉर इंस्पेक्शन, उनका एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव फाइंड करने के लिए काम आता है, तो ये करेक्ट है। टू ऑब्टेन कंट्रोल लिमिट्स फॉर फ्यूचर, अगर पी और NP चार्ट अगर आउट ऑफ कंट्रोल जाते हैं हमारे चार्ट, तो हम रिवाइज्ड भी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं पी और NP की वैल्यूज़, तो यानी कि फ्यूचर के लिए हम कंट्रोल लिमिट सेट कर रहे हैं, तो ये भी करेक्ट है। मैनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी साइमल्टेनियसली चेकड इन पी एंड NP चार्ट्स, पी और NP चार्ट में हम काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट की चेक कर सकते हैं, ये भी करेक्ट आंसर है। टू नो वेदर द एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव इज मेंटेन एज स्पेसिफाइड, यानी कि जो हमारा एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव है फाइंड तो हमने कर लिया, लेकिन वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी हम चेक कर सकते हैं, सारे ऑप्शन करेक्ट है। उसी तरह से सी चार्ट के भी मैंने यूजेस डाले हैं यहाँ पे, इसमें भी ऑब्वियसली सारे आंसर करेक्ट ही होंगे, बट आप देख सकें इनके एग्जाम्पल इसके लिए, फॉर द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन रेडियो सेट, इसके लिए सी चार्ट यूज़ होगा। देखो मैंने आपको बताया था सी चार्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के आपको पता है एग्जांपल क्या क्या होते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, नंबर ऑफ फॉल्ट्स इन पाइप्स और वायर्स ऑफ गिवन लेंथ, नंबर ऑफ डिफेक्टिव ड्राइवर्स इन विंग्स ऑफ प्लेन, नंबर ऑफ एयर बबल्स इन अ ग्लास बॉटल, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, रेयर इवेंट्स, वो सारे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। तो ये सी चार्ट के एग्जाम्पल होंगे, सी चार्ट इन पर आप अप्लाई कर सकते हो यानी कि। ओके तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सारे MCQ ख़त्म हो रहे हैं चारों यूनिट के। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए ये आपको हेल्पफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।